सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट। आपका सेटिंग यहाँ चल रहा है क्या अभी भी बसपा में? क्या सेटिंग चल रहा है? हम सेट कर दिए टिकट, तो और जगह भी सेट किए हैं? राजीव राय को सेट किए। दलित परिचय समारोह में पहुंचे हैं आप, क्या कुछ है? देखिए हमारे पूर्व विधायक माननीय रामानंद बहुत जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के कार्यक्रम को आयोजित किया कि हम सब लोग मिलकर के डॉक्टर अरविंद राजभर को जी चुनाव जिताया जाए। पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी है तो डॉक्टर अरविंद राजभर है, और आप माननीय कांशीराम जी के साथ काम किए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, किसी को 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं। आपने रसरा देखा, हिया देखा, देखिएगा मधुबन, देखिएगा घोसी, कल कम से कम नहीं कुछ तो खाली अकेले सोनार बिरादरी कम से कम 2000 यूटी जी रसरा। मुझे ताज्जुब हुआ जब वहाँ मैं गया देखा, अभी कल ही उसी रसरा कार्यालय पर कम से कम 1000 से ज़्यादा घोड़ और खरवा जुटा। वो कह रहा कि साहब हम लोग एकदम आपके साथ हैं। अभी हर कम्युनिटी के लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन का नाम आप लोग तो देख रहे हैं। बुनकरों के बीच पहुंचे थे आप, तो आपने कहा कि क्या देश में सपा की सरकार बन सकती है, तो एक बुनकर ने कहा हाँ बन सकती है। हमको अंदाज है कि लगभग 1000 आदमी रहेंगे, एक ही आदमी ने कहा था, लेकिन 999 लोगों ने नहीं कहा। अब उसी से समझ लीजिए कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ संघीय शक्ति कलिगे, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघीय शक्ति कलिगे, तो शक्ति और संगठन तो इधर है, एक आदमी के चिल्लाने से क्या होगा। मन से आपने कहा था कि हमने बीजेपी को वोट नहीं किया, बीजेपी का हमेशा विरोध किया, फिर भी मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज हम मंत्री। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं विपक्ष में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया और वहाँ था, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी की कृपा से ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ है। आप लोगों की भलाई के लिए, गाँव के विकास के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है, आचार संहिता खत्म होती है तो फिर हम सब लोग मिलकर के उस काम को। सपा प्रत्याशी राजीव राय ने कल कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्णायक फैसले में भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है। 365 दिन होता है एक साल में। अरे यार, आप कैसे निकल रहते हैं कर्नाटक? अरे यार, 365 दिन में कर्नाटक लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा, तो उनसे पूछिएगा मिले तक 365 दिन कर्नाटक रहेंगे कि 300 दिन बनाकर किसको भेजेंगे? उन्होंने कहा कि हारने के बाद भी 10 साल तक मैं लगातार सेवा किया हूँ जनता। मैं तो कभी नहीं देखा, आप बताओ। इसी मऊ में महिला सम्मेलन हम लोगों ने किया था, आप लोग थे ना, बता दो जो महिला सम्मेलन किया आराम से। हमने सावधान रथ यात्रा लेके आप ही के बीच में घुसी में किया, आपने देखा। कोई ऐसा छोटा बड़ा कार्यक्रम हम लोग कोई महीना बताओ जो न करते हो। अब यही नहीं, मऊ ही नहीं, आप आजमगढ़ पता कर लो, आप अम्बेडकर नगर पता कर लो, बनारस पता कर लो, चंदौली पता कर लो, पूर्वांचल ही नहीं 75 जिले में पसार कर हम लोग काम करते हैं। भाजपा का नेता नहीं है कोई आपके घर को, ऐसा वोट हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जोधपुर धनंजय सिंह को बदल दिया, आजमगढ़ से भी कई लोगों को चेंज कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मायावती जी को डर है या फिर कुछ और बात? नहीं, वो काम उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम उस पार्टी के मालिक नहीं। आपका सेटिंग यहाँ चल रहा है क्या अभी भी बसपा में? क्या सेटिंग? आपने कहा था कि हम सेट कर दिए टिकट, तो और जगह भी सेट किए हैं? राजीव राय को सेट किए सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं मंत्री जी। हां बच्चा, ईमानदारी से बताओ, हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू चले जाने, अगर कहीं मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था गोरीघाट,
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं धोरी घाट में हम लोग हमारी टीम गई थी, धोरी घाट से जो खबर आ रही है वहाँ 50-60% की कमी थी, छड़ी पर उठ गए थे। आप पता कर लीजिएगा, हम राजनीति में जो वर्तमान सिचुएशन है जो कह रहा हूँ धरातल की खबर लिया निकाल। लेकिन आप तो लेकिन आपने बसपा का टिकट सेट कर दिया, मैंने कहा था कि बसपा का टिकट सेट कर रहे हैं, कहीं कहीं पैसा रहा सेटिंग हो रहा है। आपने कहा छन्नी से छान देंगे, किसके लिए कहा? बसपा का नाम नहीं आया था, वोट हमने इकट्ठा कर लिया है कि अपने आप सब छना जा रहे हैं। आपने अपनी छड़ी को गांधी जी की लाठी के साथ जो है जो कर बताया, गांधी जी ने तो लाठी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, अंग्रेज कौन आप किसको भगा? इस देश में दंगा करने वाले लोगों को भगाऊंगा, इस देश में गरीबों का हक लूटने वालों को भगाऊंगा, इस देश में पिछड़ों को हक लूटने वाले लोगों को भगाऊंगा, इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को भगाऊंगा, इस घोसी लोकसभा से ये विचारधारा के लोगों को भगाऊंगा। दंगा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप बताओ, नफरत कांग्रेस और सपा बसपा के बीच नफरत मुसलमानों में कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? वही न फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारा आर्थिक मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अरे क्या घुसपैठियों में और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों के। सुनिए गुनिए तब ढूंढिए। एक योजना बता दें, केंद्र और प्रदेश सरकार की एक योजना बता दें जिस योजना में किसी जाति धर्म के खिलाफ लिखा हो इनको मत देना। केंद्र और प्रदेश सरकार, आप पत्रकार, आप लोग, आप लोगों को मनाही है, बहुत पत्रकार तो बिजली क्या उनको नहीं मिलता है सुविधा? मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को बड़ी संख्या में, क्या केंद्र की प्रदेश की सरकार की योजनाएं नहीं मिलती इनको? ये सिर्फ अफवाह फैलाना विपक्ष का काम है, हम लोगों का काम है। बसपा भी टीम है आपकी, बसपा भाजपा की भी टीम है, सपा भी टीम है महाराज। प्रमाण दे दें, अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी, कौन बोला था? तो पिछले चुनाव में तो आपने बीजेपी को कहा था कि बीजेपी वाले को जहां वो आज क्या कर रहे हैं, आप बताओ आज क्या कर रहे हैं? यहां हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है, यहां चल हटे आपको तो क्या, ये हारने वाले को दिया है, चलो। अरे मंत्री जी, बस निकला।